हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। टुडे वी विल गोइंग टू स्टडी अ न्यू चैप्टर ऑफ मैथ। ओके, लेट्स नाउ बिगन अ सेकेंड चैप्टर, शेप्स। आपके मैथ में बुक में हमने ये फर्स्ट चैप्टर करवा दिया था, ठीक है। अब हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, शेप्स। शेप्स आपने देखे होंगे, क्लास केजी टू में भी पढ़े होंगे, ठीक है। सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ओवल, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स के हमारे शेप्स होते हैं। जैसे ये इसने एक फ्रॉक पहनी हुई है लड़की ने, इसमें कौन से शेप्स बने हुए हैं? इनको क्या बोलते हैं? पोल्का डॉट्स, ठीक है। ये सर्कल हैं, ठीक है। सर्कल, दिस इज अ सर्कल, इट हैज़ नो कॉर्नर्स। ये एक सर्कल है, इसमें कोई भी कॉर्नर नहीं होता है, ये एक राउंड शेप का होता है, ठीक है। ये क्या है? दिस इज अ रेक्टेंगल, इट हैज़ फोर साइड्स। ये एक रेक्टेंगल है और इसकी फोर साइड्स होती हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, कितनी साइड्स होती हैं? फोर साइड्स। दिस इज अ स्क्वायर, इट हैज़ फोर साइड्स बट ऑल ऑफ देम आर इक्वल इन साइज। यह एक स्क्वायर है, इसमें फोर साइज होता है और इसकी जो चारों साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है कि आमने सामने की जो लाइन होती हैं या साइड होती हैं वो बराबर होती हैं। जैसे ये देखिए, ये और ये दोनों आपकी बराबर हैं, और ये ऊपर की और नीचे की, ये दोनों बराबर हैं। पर स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में चारों जो साइड होती है ना, 1, 2, 3, 4, ये बराबर होती हैं। ट्रायंगल, ठीक है, इट हैज़ थ्री साइड्स, इसकी थ्री साइड्स होती हैं, 1, 2 और ये 3, ठीक है। ओवल, दिस इज एन ओवल, इट लुक लाइक अ सर्कल बट इज नॉट एग्जैक्टली राउंड, इट हैज़ द शेप्स ऑफ एन एग। यह एक ओवल है, ये सर्कल जैसा होता है पर ये पूरा राउंड नहीं होता है, ठीक है। यह एक एग के राउंड शेप्स के जैसा होता है, ठीक। आते हैं इसकी एक्सरसाइज है। यहाँ पे कुछ शेप्स बने हुए हैं, ये एक जोकर बना है, ठीक है। इसमें शेप्स का यूज किया हुआ है बनाने में। आपको इन शेप्स के नेम्स लिखने हैं। जैसे ये इसका फेस क्या है? सर्कल। ये आपकी ये लाइनें हैं, यहाँ पे आपको इसका नाम लिखना है। ये किस शेप का है? ओवल, ठीक है। ये रेक्टेंगल, ये स्क्वायर, ये ट्रायंगल, तो आपको उनके नाम लिखने हैं। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। कलर द शेप शो बिलो एज पर द गिवन कलर कोड, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे आपके कुछ कलर के कोड दिए हुए हैं, जैसे पिंक, सर्कल में पिंक, स्क्वायर में ऑरेंज, रेक्टेंगल में ब्लू और ट्रायंगल में येलो, ओवल में ग्रीन। तो आपको यही कलर कोड यूज करके यहाँ पे कलर करना है। जैसे ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में हम क्या करेंगे? ब्लू। स्क्वायर था, स्क्वायर में ऑरेंज, सर्कल में पिंक, ठीक है। तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है अपनी बुक में, ठीक। फिर मैं इसकी कॉपी में बताऊँगी। ओके, अभी मैंने आपको मैथ्स का लेसन टू शेप्स बुक में समझाया था, अब मैं इसकी एक्सरसाइज कॉपी में समझाती हूँ जो आपको करनी है, ठीक है। ये यहाँ पे शेप्स के नेम दिए हुए हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, ओवल। आपको इनकी स्पेलिंग याद करनी है, ठीक है। और यहाँ पे कलर करना है शेप्स में, कौन सा कलर? ये यहाँ लिखा है, ओवल में रेड कलर करना है, रेक्टेंगल में ग्रीन कलर करना है, स्क्वायर में ब्लू, ट्रायंगल में येलो एंड सर्कल में आपको ऑरेंज कलर करना है, ठीक है। ये आपको खुद से करना है। व्हाट शेप्स डू दीज हैव, यहाँ पे कुछ आपके ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। उनमें कौन सा शेप्स आपको दिख रहा है उसका नाम लिखना है। जैसे इसमें आपको कौन सा शेप्स दिख रहा है? स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर जैसे का है ना, ये वॉच, ये आपका सर्कल, ये ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, ये आपको कैसा शेप्स दिख रहा है?
रेक्टेंगल, ठीक है, और ये ओवल। ये देखिए आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज एक्सरसाइज, ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है, कंटिन्यू द पैटर्न। ये यहाँ पे कुछ शेप्स के पैटर्न दिए हुए हैं, आपको उसी को कंटिन्यू करना है। जैसे ट्रायंगल सर्कल, ट्रायंगल सर्कल, ट्रायंगल सर्कल, ट्रायंगल सर्कल, ठीक है। तो आपको वैसे ही शेप्स बनाना है, ट्रायंगल सर्कल, ट्रायंगल सर्कल, ट्रायंगल सर्कल, फिर ट्रायंगल सर्कल, ऐसा पैटर्न आपको बनाना है। रेक्टेंगल सर्कल, रेक्टेंगल सर्कल, रेक्टेंगल सर्कल, रेक्टेंगल सर्कल, ठीक है। सर्कल ट्रायंगल स्क्वायर, सर्कल ट्रायंगल स्क्वायर, सर्कल ट्रायंगल, ठीक, डबल सर्कल स्क्वायर, डबल सर्कल स्क्वायर, डबल सर्कल, आपको सेम ऐसे ही पैटर्न बनाना है। नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको फिल करना है। अ रेक्टेंगल हैज कितने कॉर्नर्स होते हैं, 4, ठीक है। तो आपके यहाँ पे 4 लिखना है। आई स्क्वायर हैज कितनी साइड्स होती हैं, 4। अ सर्कल हैज कॉर्नर, सर्कल के कितने कॉर्नर्स होते हैं, सर्कल का तो कोई कॉर्नर नहीं होता है, ठीक है, तो वहाँ पे 9 लिखना है। अ सूटकेस इज शेप्ड लाइक अ, सूटकेस जो आपका होता है किस शेप का होता है, रेक्टेंगल, ठीक है। तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है। क्वेश्चन नंबर 5, मैच द शेप्स विद द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं और यहाँ पे शेप्स दिए हूँ, आपको उससे रिलेटेड मैच करना है। जैसे ये देखो, ये फेस सर्कल आकार का है ना, तो ये इससे मैच करेंगे आप, ठीक है। ये स्क्वायर इससे, वॉच से मैच करेंगे। ये स्केल जो है ये रेक्टेंगल शेप्स की है, तो इसको इससे मैच करेंगे। ये ट्रायंगल से मैच करेंगे, ठीक है। काउंट एंड राइट शेप्स, यहाँ पे एक आपका ड्राइंग दी हुई है, इसमें कुछ शेप्स हैं, उनको आपको काउंट करना है कि कितने शेप्स हैं, कौन से शेप्स, ठीक है। जैसे सर्कल कितने हैं इसमें, स्क्वायर कितने हैं, ट्रायंगल कितने हैं, रेक्टेंगल कितने हैं, तो आपको फिल करना है यहाँ पे, ठीक है, बन जाएगा, ओके।